झारखंड का दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर हेमंत सोरेन ने दुमका वासियों को एक तरणताल और एक पंचायत भवन के रूप में पहला तोहफा दिया है। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर दुमका आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि से बने एक तरणताल यानी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया, तो वहीं सरैया हाट में लगभग 4 करोड़ की राशि से नव निर्मित प्रखंड कार्यालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस दुमका के तरणताल और सरैया हाट के प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन किया वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुए थे। अपने उद्घाटन भाषण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि तरणताल की बात कहने पर मैं कहीं दूर मसान जोर या अन्य नदी वाले स्थान की अपेक्षा की थी, लेकिन दुमका में नौकरशाहों ने इन्हें बीच शहर में ही लाकर उस तरणताल को दिखाया जिसका उन्हें उद्घाटन करना था। जब इसके पूर्ण होने के बाद उठने लगी तो हेमंत सोरेन ने एक तरह से अधिकारियों का बचाव करते हुए कहा कि अभी उनकी तरफ से दुमका वासियों की छोटी सी भेंट है, आगे और भी विकास की सौगातें दी जाएंगी। बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन एक पहला कदम है, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें कड़ी जुड़ती जाएंगी, जुड़ सकती हैं इससे भी। मुझे यहां आने के बाद पता चला, थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया था मैं कि किन किन कार्यक्रमों में जाना है, वाटर पार्क या कुछ इस तरीके का मुझे किसी ने बताया तो मुझे लगा कि ये डैम के आसपास ही कहीं कोई कार्यक्रम है, लेकिन ये बीच शहर में था इसकी जानकारी नहीं थी। जब मैं बीच शहर में आया, जब जानकारी मिली, तब मैं थोड़ी सी अपनी सोच को पीछे ले जाने का कोशिश किया तो संबंधित विभाग के लोग हमसे प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भी मिले थे और इस तरीके की कुछ योजनाओं के बारे में जिक्र भी कर रहे थे। दुमका वासियों को मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन ने दिया तोहफा। जिला मुख्यालय दुमका में बनाया स्विमिंग पूल, तो सरैया हाट में एक पंचायत भवन का भी किया ऑनलाइन उद्घाटन। हालांकि ये दोनों ही कार्यक्रम जो हेमंत सोरेन ने किए वे आधे अधूरे पर ही उसका उद्घाटन हुआ है। हेमंत सोरेन भी इस बात को मानते हैं और इसे अगले फेज में सुधारने की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह होता है कि अक्सर पूर्ववर्ती सरकार को लेकर ब्यूरोक्रेट्स पर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को होने को लेकर तंग करने वाले हेमंत सोरेन ने भी वही किया जो ब्यूरोक्रेट्स करना चाहते थे। उन्होंने ही इन्हें आधे अधूरे स्विमिंग पूल और पंचायत भवन का उद्घाटन करवा दिया। अब देखना दिलचस्प होता है कि सिर्फ ये तंज कसते हैं या व्यवस्था में सुधार भी लाते हैं या नहीं। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।